अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां चोपन थाना अंतर्गत एक महिला ने चोपन सोन नदी में जान देने जा रही थी, जिसको स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना देकर जान देने से बचाया। महिला ने बताया कि विनोद केवट पुत्र रामदास निवासी रेणु सागर शिव मंदिर के पास थाना अनपरा द्वारा महिला से शादी का झांसा देकर शोषण किया जा रहा था। उसके बाद कुछ माह पहले अनपरा में एक मंदिर में उसके द्वारा शादी किया। कुछ दिन पहले से महिला को पति व परिवार के लोगों ने गाली गलौज व मार पीट कर प्रताड़ित करने लगा। इस संबंध में महिला ने जब इस मामले को लेकर अनपरा थाने में शिकायती पत्र दिया, लेकिन अनपरा पुलिस द्वारा मामले में कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं किया गया और थाने से निस्तारण न होने की बात कहा गया। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को लेकर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को बार बार कहे जा रही है, लेकिन प्रशासन अपने रवैये को बदल नहीं रही है। पति का नाम कहाँ के? आप रहने वाले कहाँ? मैहर, मध्य प्रदेश। खाना क्या है? मैहर में गांव है। वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद। क्या नाम है? सुभद्रा। अच्छा, आप नदी किनारे बैठी थी, क्या बात है? मैं बात थी कि हमको एक लड़का मुंडी संग में लेके हमको भग गया था। अच्छा। फिर शादी के झांसा देकर हमको शादी जबरदस्ती कराया। अच्छा। अम्परा में लियान के हमारे संग में शादी किया मंदिर पे ऐसा। फिर मंदिर से शादी करके हमको छोड़ छाड़ के चला गया। फिर इसके बाद में हमारे संग में मार पीट कर रहा। अभी कहाँ लड़के का क्या नाम है? विनोद। कहाँ का रहने वाला है? रेणु सागर। और उसके पिताजी का नाम? रामदास। तो क्या, कितने दिन से संबंध था आपका? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल से आप दोनों शादी में हैं? जी सर। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे पहुँची चोपन? चोपन पहुँची, अम्परा थाने में गई रिपोर्ट डालने। रिपोर्ट डालने के बाद नहीं सुनवाई हुई है, तो इधर हमको भेजे थे एक थाना, तो मतलब वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, तो हम नदी में मारने के लिए आए थे। नहीं तो जब आप पुलिस के पास पहुँची थी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्हें बोला कि यहाँ हमारे बस का नहीं है। अच्छा, वो FIR नहीं लिखी? FIR नहीं लिखी। तो इसको लेके SP साहब क्या नहीं गई थी उच्च अधिकारियों के पास? अभी नहीं गई SP साहब के पास। अभी पुलिस आई थी आपके पास? क्या कहा उन्होंने? उन्हें थाना में बुलाया। अच्छा, थाने में बुलाए हैं? बोले थाना चलिएगा।